कक्षा सात के विद्यार्थियों, संस्कृत अध्यापक का नमस्कार। मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष और आज हम द्वितीय पाठ का अभ्यास करेंगे, अर्थात द्वितीय पाठ का पठन क्रिया करेंगे। देखिए, द्वितीय पाठ है पाणिनि। पाणिनि एक ऋषि का नाम है जो कि बहुत बड़े संस्कृत जगत के आचार्य हुए हैं, व्याकरण के क्षेत्र के। देखते हैं, सुप्रसिद्धस्य वैयाकरणस्य पाणिनि पंचशतम ईशापुर गांधारस्य शालातुर नामके ग्रामे अभवत। जो सुप्रसिद्ध व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण क्षेत्र के प्रसिद्ध ऋषि पाणिनि का जन्म 500 ईसा पूर्व गांधार के शालातुर नाम के गांव में हुआ था। एतद् स्थानम अफगानिस्तान देशे वर्तते। यह स्थान वर्तमान समय में अफगानिस्तान देश में आता है। जो गांधार जो है, वर्तमान नाम इसका कांधार है, जो कि आपने बहुत पहले देखा होगा कि तोरा मोरा की जो पहाड़ियां हैं वो गांधार में ही हैं। और जो महाभारत की जो गांधारी थी, जो दुर्योधन की माँ थी, वह गांधार देश की ही थी, जो कि वर्तमान नाम कांधार है। तस्य पितु नाम पणिनहा और मातु नाम दाक्षी चासी। इनके पिता का नाम पणिनि था और माता का नाम दाक्षी था। तस्य गुरुः नाम उपवर्ष आसीत। इनके गुरु का नाम उपवर्ष था। पाणिनि ही विषय एका कथा प्रचलिता अस्ति। पाणिनि ऋषि के विषय में एक कथा प्रचलित है, एक कथा के चलित है। बाल्यकाले यदा उपवर्षस्य आश्रमे पठति। वह बचपन में अपने गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। गुरु का नाम था उपवर्ष, उनके आश्रम में ये विद्या अध्ययन करते थे। तदा सा पठने बहुत दुर्बला आसीत। और यह पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर थे, पढ़ने में बहुत वीक थे। तस्य मना पठने न रमते स्म। इनका मन पढ़ने में नहीं लगता था। गुरु एतद् दृष्ट्वा बहु दुखिता अभवत्। गुरु यह देख करके बहुत क्लांत हुए, दुखी हुए, निराश हुए, हताश हुए। एकदा सः पाणिनि हस्तरेखां दृष्ट्वा अवदत्। एक बार पाणिनि की हस्तरेखा देखकर ऋषि ने कहा, अर्थात उनके गुरु ने कहा, यत भवता हस्ते तु विद्या रेखां एव नास्ति। अरे बालक पाणिनि, तुम्हारे हाथ में तो विद्या की रेखा है ही नहीं, नॉलेज की रेखा तो है ही नहीं। अधि तुम न हर्षि, तुम पढ़ लिख नहीं सकते। एतद् वाक्यम श्रुत्वा पाणिनि आश्रमात् गृहं प्रति प्रस्थिता। यह सुनकर के, गुरु के इन वचनों को सुनकर के पाणिनि ने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। अगला प्रश्न देखिए आप। मार्गे सा पिपासाम अनुभवत। रस्ते में उनको प्यास लगी, प्यास का अनुभव उन्होंने किया। स तत्रैव कूपम अपश्यत। वहां पर उन्होंने एक कुआं देखा। तत्र कश्चन महिला कूपात जलम निष्कास्यति स्म। वहां पर एक महिला, तत्र अर्थात वहां, कश्चन मतलब कोई, वहां पर कोई महिला कुएं से जल निकाल रही थी। पाणिनि ही तत्र गत्वा जलम अयाचित। पाणिनि ने वहां जाकर उनसे जल मांगा, कहा माताजी मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाइए। सहसा तस्य दृष्टि शिलायां वृत्ताकारे गर्ते अपतत। और अचानक उनकी जो नजर थी, निगाह थी, उनकी जो दृष्टि थी, शिला के गर्त में पहुंची। शिला अर्थात चट्टान, जो पट्टी होती है, चट्टान होती है, वहां पर निशान बन गया था, तो उनकी निगाहें वहां पहुंची। सहस्यारेण एकां महिलां गर्तस्य रहस्यं पृष्टवान। और उन्होंने आश्चर्य के साथ उस महिला से उस गर्त का, उस जो निशान बन गया था चट्टान पे, क्योंकि रस्सी बार बार आती जाती थी, तो उस पट्टी पर, उस चट्टान पर जो निशान बन गया था, उसके विषय में पूछा। सा महिला अवदत। तब वह महिला ने उत्तर दिया, बारम बारम घटस्य स्थापनेन ऐसा गर्ता है जाता। बार बार रस्सी आती जाती है तो इस पर निशान पड़ गया है, गड्ढा हो गया, गर्ता अर्थात गड्ढा। तदा पाणिनि आश्चर्येण स्तब्धा जाता। तब पाणिनि को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, आश्चर्य के सागर में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए, बहुत बड़ा उनको डाउट हुआ। सा चिंतितवान। उन्होंने मन में निश्चय किया, यत यति
मृत्तिकाया घटस्य वारं वारं स्थापनेन शिलायां गर्तं भवितुम् अर्हति तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन अहमपि पठितुं शक्नोमि। उन्होंने चिंतन किया कि जब यह रस्सी बार बार चट्टान पर आती जाती है और इसमें निशान पड़ सकता है तो मैं बार बार अभ्यास करने के बाद मुझे ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं होगा, अवश्य ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा उन्होंने चिंतन किया। इत्थं चिंतित्वा सा पुनः आश्रममेव आगतवान और यह सोच करके वह वापस आश्रम को आ गए। आश्रमम आगत्य सा छुरिकाया हस्ते विद्यारूपम विद्या रेखाम निर्मितवान और आश्रम में आकर के उन्होंने छुरी से अर्थात चाकू से उन्होंने अपने हाथ में एक विद्या की रेखा खींच ली, हथेली में एक चाकू से रेखा खींच ली और गुरु के पास जाकर कहा, हे गुरु मम हस्ते अभी विद्या रेखा अस्ति, मेरे हाथ में भी विद्या की रेखा है, ज्ञान की रेखा है, अहम अपि पठितुं शक्नोमि, मैं भी पढ़ सकता हूँ, ज्ञान को प्राप्त करूँगा मैं भी। गुरु तम स्नेहेन आलिंगत, गुरु ने उनको स्नेह से प्यार से गले लगा लिया। कालांतर में अर्थात बहुत समय बाद जब उनका विद्या अध्ययन पूरा हो गया उसके बाद वह महान वैयाकरण अभवत, महान वैयाकरण के रूप में जाने जाने लगे। अष्टाध्यायी प्रसिद्धंस ग्रंथस्य रचनां च अकरोत् और अष्टाध्यायी नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ की इन्होंने रचना की। प्यारे छात्रों इस प्रकार यह आपका द्वितीय पाठ संपन्न हुआ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसका पीछे का जो अभ्यास है वह द्वितीय भाग में प्रस्तुत करूँगा। आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू।